Can you hear me? Please repeat. Can you hear me? Please reply. हिंडालको बीटीएससी ट्रेड दिया था, उसमें आपको प्रॉफिट आया होगा. सन फार्मा बीटीएससी ट्रेड दिया था, इसमें भी आपको प्रॉफिट आया होगा. यस और नो? कल मैंने दो बाय ट्रेड दिए थे बीटीएससी, हिंडालको एंड सन फार्मा, करेक्ट? दोनों में आपको प्रॉफिट आया होगा. यस. कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि बाय क्यों दे रहे हो, लेकिन अभी आपको समझ में आया होगा कि बाय ट्रेड मैंने क्यों दिया था, करेक्ट? शॉर्ट ट्रेड लेते तो क्या होता? अगर हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लेते तो क्या होता? ट्रैप, करेक्ट? ठीक है. व्हाट इज द एमटीएम ऑफ स्ट्रैटेजी, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी? मिस्टर पीवी मूर्ति, व्हाट इज द एमटीएम? बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी का भी एमटीएम क्या है? ओके, इज इट लॉसेस रिड्यूसिंग नाउ? लॉस लिटिल बिट गेटिंग रिड्यूसिंग, करेक्ट? इसी रेंज में रहेगा तो लॉस रिड्यूस हो जाएगा, इसी रेंज में रहेगा तो लॉस रिड्यूस हो जाएगा. सैटरडे संडे टाइम वैल्यू भी मिलेगा. सो क्लोजिंग अगर यहां पर होता है, इज इट गुड फॉर अस? यस और नो? क्लोजिंग अगर यहां पर होता है, इज इट गुड फॉर अस? क्लोजिंग अगर यहां पर हो रहा है, इज इट गुड फॉर अस? यस और नो? इट इज गुड, करेक्ट? ठीक है. एक काम करते हैं, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे. मॉर्निंग कॉल्स, करेक्ट? तो पहले हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो कल मैंने आपको निफ्टी के लिए सपोर्ट बताया था, अगर आपको याद है, निफ्टी का 16,500 16,600 सपोर्ट बताया था. ये उसके ऊपर आ चुका है, एक्चुअली वो ब्रेक किया था, उसके बाद ऊपर आया है, बट हम लोगों ने ये सपोर्ट डिसाइड किया था, करेक्ट? 16,500 16,600. नहीं 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 मिस्टर आंसर, कुछ नहीं निकालना है. बैंक निफ्टी वीकली स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं करना है, मैं आपको बोलूंगा तब करना है. ये मत समझो कि यहाँ से बॉटम बन गया और वहां से, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज नॉट एन इजी मार्केट, वॉलेटाइल रहेगा, यहाँ पर वॉलेटाइल रहने वाला है, ठीक है? एक बहुत बड़ा कैंडल था, तो बहुत बड़ा कैंडल के बाद नॉर्मली क्या होता है? एक मिनट, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक समझाता हूँ. पहले अगर लेट से इतना बड़ा कुछ कैंडल बना है, बड़ा रेड कैंडल बना है, तो नॉर्मली क्या होता है कि इसके आसपास दो तीन कैंडल बनते हैं कंसोलिडेशन वाले, समझ में आ रहा है? इनसाइड कैंडल बनता है, करेक्ट? तो नॉर्मली ये दो तीन कैंडल बनते हैं, फिर ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, किसी भी तरफ दे सकता है, ठीक है? तो अभी ये कंसोलिडेशन फेज है. अभी मुझे लग रहा है कि मंडे ट्यूजडे तक मार्केट यहां पर रहेगा, उसके बाद ऊपर जाना चालू होगा या उसके बाद थोड़ा नीचे जाना चालू होगा, ऐसा है. तो मंडे ट्यूजडे तक तो आई डोंट थिंक कि कुछ ये ब्रेक होने वाला है या कुछ होने वाला है, यहीं पे मार्केट रहने वाला है, ठीक है? एटलीस्ट मंडे ट्यूजडे तक, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं. तो निफ्टी का यही सपोर्ट है 16,500 16,600, यही मेजर सपोर्ट है, ठीक है? रेजिस्टेंस निफ्टी का चेक कर लेते हैं. रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी का रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे आएगा अभी. यस, ये रेजिस्टेंस है 16,000, थोड़ा नीचे आ चुका है, 16,800 से लेके 900 हो चुका है, तो ये थोड़ा नीचे आ चुका है रेजिस्टेंस अभी, 16,800 से लेके 16,900. और निफ्टी का सपोर्ट यही है. बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको ये वाला सपोर्ट बताया था 35,800 36,000, बैंक निफ्टी का यही सपोर्ट है. बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे आएगा, ऑब्वियसली 36,800 के आसपास आ चुका है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस भी थोड़ा नीचे आ चुका है 36,800 से लेके 37,000. तो ये पार्ट क्लियर है क्या? प्लीज रिप्लाई. ये पार्ट क्लियर है? बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस भी थोड़ा नीचे आ चुका है, निफ्टी का रेजिस्टेंस भी थोड़ा नीचे आ चुका है, करेक्ट? यस, सपोर्ट वहीं पे, सपोर्ट वहीं पे, रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे आया. अब स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट वन मिनट.
मिस्टर दिव्य नेवार, लॉस थोड़ा रिड्यूस हुआ होगा, चेक कर लो स्ट्रेटजी में, यस और नो। और हिंडाल को बाय दिया था, इसमें आपको प्रॉफिट आया होगा। सन फार्मा मैंने बाय दिया था, बीटीएसटी, इसमें भी आपको प्रॉफिट आया होगा मिस्टर दिव्य नेवार, करेक्ट। और स्ट्रेटजी में जो लॉस चल रहा था, बिग लॉस था, वो कम हुआ होगा, करेक्ट। यस, वो धीरे धीरे कम होगा, लॉस धीरे धीरे कम होगा, जैसे मार्केट यहां पर कंसोलिडेट होगा ना, लॉस धीरे धीरे कम होगा, करेक्ट। यस, हिंडाल्को आई एग्जिटेड एट 5:35, ठीक है। अब स्टॉक डिस्कस करते हैं मॉर्निंग कॉल्स के लिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करते हैं, 9:45 तक वेट करते हैं, उसके बाद स्कैनिंग करेंगे। थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, मेरे हिसाब से जहां पे सस्टेन होता है तो उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि निफ्टी जो है वो डे हाई पे ही है, बट बैंक निफ्टी जो है वो डे हाई से थोड़ा सा, डे हाई के आसपास ही है, तो चलो कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब स्टॉक्स बहुत जोर से बाउंस किया है ना, स्टॉक्स ने बहुत जोर से बाउंस किया है, करेक्ट, बहुत फास्ट बाउंस है। थोड़ा वेट करते हैं, 2-3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेड लेंगे। मेरे हिसाब से 2 से 3 मिनट थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद ट्रेड लेंगे। एमटीएम मुझे अपडेट करते जाओ, हर 15-20 मिनट में एमटीएम थोड़ा अपडेट करते जाओ। कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए, ये तो मैंने आपको कल ही बोला था मिस्टर कृष्णा चंद अरवानी, याद है? किसी ने तो बोला था कि मार्केट विल नाउ फॉल, तो मैंने बोला भी था कि अगर सबको यही लग रहा है मार्केट विल फॉल, मार्केट विल फॉल, तो मार्केट विल नेवर फॉल, याद है? कल मैंने आपको यही बोला था, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, सिंपल रूल है, मतलब जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है वो होता है मार्केट में नॉर्मली। तो जब ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो व्हाट्सएप पे कल मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे थे, पुटिन के वो मेम्स बन रहे थे, यस और नो, करेक्ट, पुटिन के मेम्स बन रहे थे, याद है? तो जब ऐसा कुछ होगा तो ऑब्वियसली मार्केट विल नॉट फॉल। मिस्टर आंसर मैं हूं, मैं आपको, मैं मैनेज कर रहा हूँ, डोंट वरी, आपको सिर्फ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पैनिक नहीं होना है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे करना है। मुझे नहीं लगता आज मार्केट गिरेगा, और आज मार्केट इसी लेवल के आसपास रहने वाला है। प्रॉफिट में अगर है तो रेंज प्रॉफिट में ही, प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करेंगे। अगर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है ना, तो 10,000 के आसपास या 5 से 10,000 के आसपास लॉस होगा तो भी एग्जिट कर देंगे एक बार, ठीक है? बिकॉज 5,000-10,000 लॉस वी कैन रिकवर वेरी इजिली, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-10 हजार का, 10,000 के आसपास भी लॉस आता है ना, एक बार एग्जिट कर देंगे, बिकॉज वॉर का न्यूज है, न्यूज फ्लो है, हमें नहीं पता कि कल वापस मॉर्निंग में कुछ न्यूज आ जाए, तो उससे बेटर है कि 10,000 के आसपास लॉस आएगा, हम लोग एग्जिट करेंगे। ठीक है, अभी स्टॉक स्कैनिंग करते हैं, लेट्स स्टार्ट मॉर्निंग कॉल्स के लिए, पहले स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं। कौन से स्टॉक रेडार पर है? काफी सारे स्टॉक रेडार पर है। पीएनबी 10% ऊपर, भेल 8% ऊपर, धनी 10% ऊपर, सब स्टॉक्स ऊपर है आज, बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर है आज तो, ठीक है? स्कैनिंग में चेक कर लेते हैं, वेट 1 मिनट, कोई स्टॉक रेडार पर आ रहा है क्या? रेडार पर भी है एक स्टॉक, ठीक है? थोड़ा सा हमें स्मार्टली आज ट्रेड करना पड़ेगा, स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा आज। हिंडाल को बाय है, मैकडॉवल आया है बाय, मैकडॉवल देखेंगे हम लोग, हिंडाल को बाय है,
ठीक है, हिंडाल्को बाय है, मैकडॉवेल आया है बाइंग में, ये चेक करते हैं, ब्रिटानिया शॉर्ट आया है तो ब्रिटानिया चेक करेंगे, वेट ऑन मिनटा, और कौन सा स्टॉक रेडार पर कोई बेटर स्टॉक मिलता है ना, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो मैकडॉवेल आया है एक रेडार पर, मैकडॉवेल देखेंगे हम लोग और ब्रिटानिया देखेंगे, मैकडॉवेल ये आया रेडार पर और ब्रिटानिया शॉर्ट आ रहा है, ब्रिटानिया भी देखेंगे, ब्रिटानिया हम लोग कैश सेगमेंट में शॉर्ट करेंगे बिकॉज वैसे भी इसमें ऑप्शंस में वॉल्यूम नहीं होता है, सो ब्रिटानिया वेट 1 मिनट, थोड़ा हम लोग एनालिसिस करने दो, उसके बाद शॉर्ट करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे, परफेक्ट ट्रेड है मेरे हिसाब से, ट्रेड लेना चाहिए, प्योरली इंट्राडे ट्रेड दे रहा हूँ मैं, जो भी मैसेज कर रहा हूँ प्योर इंट्राडे है, तो आपको कुछ ये करने की जरूरत नहीं है, प्योरली इंट्राडे ट्रेड है, कैरी फॉरवर्ड वगैरह कुछ करना नहीं है, अभी थोड़ा सा न्यूज फ्लो है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। मैसेज किया मैंने, चेक करो मैसेज मिला है क्या, ब्रिटानिया मैंने ट्रेड दिया, चेक करो मैसेज मिला है क्या, एमटीएम, एमटीएम बताओ मुझे स्ट्रैटेजी का, एमटीएम बताओ सर, आंसर वो तो मुझे भी पता है बैंक निफ्टी का प्राइस इतना हो गया, मुझे एमटीएम बताओ स्ट्रैटेजी में, एमटीएम बताओ, एक ब्रिटानिया ट्रेड दिया है मैंने, ब्रिटानिया ट्रेड दिया है, इसी के आसपास क्लोज होना चाहिए बस, बैंक निफ्टी इसी के आसपास क्लोज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा आज फॉल नहीं आ रहा है, कल जैसे एकदम फॉल आ रहा था वैसा नहीं है, तो एक अच्छा है कि आज एकदम से फॉल नहीं आ रहा है। यस मिस्टर दिव्य नेवार, इट विल रिड्यूस वेरी फास्ट, मैंने आपको कल ही बोला था कि 1 से 2 दिन का मार्केट को खाली टाइम देना है, बैंक निफ्टी हमारी रेंज में रहा, इट विल रिड्यूस वेरी फास्ट, लॉस आपका जो है वो बहुत फास्ट रिड्यूस होगा। हाँ सर, ब्रिटानिया ट्रेड शॉर्ट लिया और कोई ट्रेड नहीं लिया हम लोगों ने, ठीक है, थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे, वोलाटिलिटी ज्यादा है, ठीक है, वोलाटिलिटी एकदम ज्यादा है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड लेंगे। वोलाटिलिटी ज्यादा है तो थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। एक मिनट आप थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं, ये
इसी के आसपास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कोई ट्रेड रेडार पर नहीं है, बाइंग वाला ट्रेड है, मैकडॉवल एक है, बस यही एक ट्रेड है बाइंग वाला ट्रेड मैकडॉवल, और कोई ट्रेड रेडार पर नहीं है। बट इसमें वॉल्यूम कम है, अगर आप यहाँ पर देखो ना वॉल्यूम कम है इसमें, इसलिए मैंने बाई नहीं दिया है। ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम बहुत कम है, दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई, वॉल्यूम कम है, बहुत कम वॉल्यूम है, तो इसलिए मैकडॉवल मैंने बाई नहीं दिया है। बस अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेकंड हाफ में थोड़ा फॉल वॉल नहीं आना चाहिए, बस निफ्टी गैप फिल करेगा क्या? गैप, ये पूरा गैप फिलअप नहीं करने वाला, नहीं, इतना तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे इतना नहीं लगता। मेरा जो टारगेट था वो आ चुका है 16,500-16,600। मैंने आपको याद है 36,500 का कल बैंक निफ्टी का मैंने टारगेट दिया था, तो 36,500 भी टारगेट आ चुका है, तो टारगेट तो आ चुका है, बस यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, सस्टेन करेगा, अपने आप लॉस कम होते जाएगा और बहुत फास्ट लॉस कम होगा। स्टॉक्स में काफी अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर जो है ना। हाँ तो अच्छी बात है ना मिस्टर अंसर खलीफा, प्रॉफिट जोन में है तो अच्छी बात है। और आज फ्राइडे है, तो अगर सैटरडे संडे टाइम इसी लेवल पे क्लोज हुआ और सैटरडे संडे टाइम वैल्यू बेनिफिट है, मंडे को अगर फ्लैट खुलता है तो जो आपका 33,000 लॉस जो भी दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट अवे 10,000 के अंदर आ जाएगा लॉस। समझ में आ रहा है? वी आर जस्ट वन डे लेट, हम लोगों ने थोड़ा सा एक दिन पहले लिया बिकॉज, और वो वॉर वाला न्यूज सडन था, ठीक है, इट वॉज नॉट नोन। अगर इवेंट होता ना तो हम लोग थर्सडे के बाद ही लेते ट्रेड, बट इट वॉज सडन न्यूज। हम लोगों ने प्रीमियम के हिसाब से सही ट्रेड लिया था, बट इट वॉज सडन न्यूज। थर्टी सिक्स 1,500 के आसपास आ चुका है, जस्ट सिट एंड रिलैक्स, कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक ही ट्रेड लिया है ब्रिटानिया शॉर्ट, बाकी और कोई ट्रेड रडार पर है नहीं, और थोड़ा वेट एंड वॉच ही करेंगे। और कोई ट्रेड रडार पर आया है क्या? नहीं, सिर्फ ब्रिटानिया है, सिर्फ ब्रिटानिया है, तो एक ही ट्रेड रडार पर है और एक ही ट्रेड हम लोग एक बार लेके रख रहे हैं, एक ही ट्रेड लिया है, ब्रिटानिया ही है और कोई स्टॉक रडार पर नहीं है, तो थोड़ा वेट करेंगे।
17,000 के ऊपर तो मुझे निफ्टी नहीं लगता है ये वीक में। 17,000 तो बहुत मेजर रेजिस्टेंस हो गया निफ्टी के लिए, 17,000 नहीं लगता है। और कोई स्टॉक रडार पर नहीं है तो थोड़ा वेट करेंगे। सिर्फ ब्रिटानिया शॉर्ट किया है बस, और कुछ नहीं किया है। मैंने भी ब्रिटानिया ही शॉर्ट किया है, 50 शेयर ही शॉर्ट किया है, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू थोड़ा बड़ा है, प्राइस बड़ा है, इसलिए मैंने भी 50 शेयर ही शॉर्ट किया है, और कुछ ट्रेड नहीं किया है मैंने भी।17,000 के ऊपर तो मुझे लगता नहीं है निफ्टी, 17,000 के ऊपर नहीं लगता है, थोड़ा वेट करेंगे। बैंक निफ्टी भी इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करेगा आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा वेट करेंगे, वेट करके ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट मुझे करना है जस्ट टू प्रोटेक्ट द डाउनसाइड रिस्क, इन केस अगर ये फॉल होता है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट सिर्फ करना है, बाकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है ऐसे। हाँ, बट सस्टेन कर रहा है तो एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, वो एक बात है, सस्टेन कर रहा है तो एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। ये लेवल के आसपास तो प्रॉफिट आता है ना, एज पर सिनारियो मिस्टर अंसर खलीफा, ये लेवल के आसपास तो प्रॉफिट आ रहा है, राइट? ठीक है, वेट करते हैं। सिर्फ एक ब्रिटानिया शॉर्ट ट्रेड लिया और कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, और स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं अगर और कोई स्टॉक रडार पर है क्या। यस, ब्रिटानिया में भी जो स्टॉप लॉस टारगेट दिया है वही फॉलो करना है, कोई ज्यादा एक्शन नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, ब्रिटानिया में भी जो स्टॉप लॉस टारगेट दिया है वही फॉलो करना है। ठीक है मिस्टर अंसर, मैकडॉवेल में अभी वॉल्यूम चालू हुआ है, यस, बाय वाले ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा वॉलेटिलिटी आएगा ये लेवल पे। इट विल नॉट इजीली मूव अप, वन साइडेड एकदम इजीली मूव अप नहीं होगा ये, थोड़ा वॉलेटिलिटी आएगा स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी, तो थोड़ा वेट करते हैं मेरे हिसाब से। मिस्टर दिव्य निवार, डोंट डू दैट प्लीज, मत करो वो, ऑलरेडी हम लोगों ने सेल किया हुआ है, करेक्ट? ये एज पर आवर बेयर पुट स्प्रेड जो हम लोगों ने नीचे में लिया है उसमें ऑलरेडी सेल है, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ पैनिक, ये ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, जस्ट वेट वेट एंड होल्ड, दैट्स इट। सिर्फ एक ट्रेड हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, वो मैं आपको मैसेज करता हूँ, जस्ट ओनली वन ट्रेड एडजस्टमेंट करना है हमें। वेट वन मिनट, थोड़ा सा एक ट्रेड सिर्फ एडजस्टमेंट करना है हमें, वो मुझे लगता है कर लेना चाहिए, दैट इज, मैं मैसेज कर रहा हूँ, वेट वन मिनट। हाँ,
एक ट्रेड थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें, वो मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको। सो उससे थोड़ा और डाउनसाइड थोड़ा और प्रोटेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और एडिशनल मार्जिन नहीं है, सिर्फ आपको ये करना है। मैसेज किया है चेक कर लो, मैसेज मिला है क्या? मैसेज किया है चेक कर लो, रिसीव्ड चेंजेस कर लो वो, यस डू दैट चेंजेस, वो चेंजेस कर लो एंड रिप्लाई द क्वेश्चन बॉक्स, डन। चेंजेस कर लो एंड रिप्लाई द क्वेश्चन बॉक्स, डन। एट वॉट प्राइस वी हैव डन द चेंजेस, वो भी मुझे क्वेश्चन बॉक्स में रिप्लाई कर दो। एट वॉट वॉट प्राइस वी हैव डन द चेंजेस, मिस्टर पीवी मूर्ति, क्या प्राइस पे चेंजेस किया है? मतलब 38,400 कॉल क्या प्राइस पे बाई किया है? एट वॉट प्राइस वी शॉर्टेड, शॉर्ट कितने पे किया था, बाई कितने पे किया है? और 37,200 का कॉल जो हम लोग फ्रेश ट्रेड ले रहे हैं वो क्या प्राइस पे ट्रेड किया है? जस्ट रिप्लाई दिस इन द क्वेश्चन बॉक्स। कर लो एंड रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स। थोड़ा वोलेटिलिटी आएगा मेरे हिसाब से, वोलेटिलिटी आएगा थोड़ा, बिकॉज न्यूज फ्लो आते रहेगा ना, इसीलिए। डन चेंजेस मिस्टर पीवी मूर्ति, हैव यू डन चेंजेस, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, एंड ये 38,400 का कॉल कितने में शॉर्ट किया था एंड कितने में बाई किया? जस्ट टेल मी दिस, एट व्हाट प्राइस वी शॉर्टेड और कितने में बाई किया, सिर्फ ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। सो आई थिंक 300 पॉइंट का तो ब्रेक इवन और हमारा इंक्रीज हो गया है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड यस, खाली सिर्फ डाउनसाइड का प्रोटेक्शन का थोड़ा है, वो हम लोग चेक करते हैं। आई थिंक उससे ज्यादा और कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है। एमटीएम भी अपडेट करते जाओ मिस्टर पीवी मूर्ति, एवरी 30 मिनट्स में एमटीएम भी अपडेट करते जाओ, 30-40 मिनट्स में एमटीएम भी अपडेट करते जाओ आप। बाय नहीं करना है मिस्टर अंसर, सेल करना था वो तो। मिस्टर अंसर मैसेज चेक करो। हाँ सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, और कोई स्टॉक रेडार पर है नहीं, थोड़ा वेट करेंगे मेरे हिसाब से। इसी लेवल के आसपास रहने वाला है बैंक निफ्टी, कहीं जाने वाला नहीं है। आज तो कंसोलिडेशन नहीं लग रहा है, आज तो इसी लेवल के आसपास रहेगा।
मैकडोवेल चल रहा है, मैकडोवेल चलना चालू हुआ, मैकडोवेल में भी ट्रेड ले लेना चाहिए था, इंट्राडे में 7-8 रुपए आ जाता। वेट करेंगे, और कोई स्टॉक रडार पर नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे। सिर्फ ब्रिटानिया ट्रेड मिला है, कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, मैकडॉवेल में भी वॉल्यूम नहीं है, तो विदाउट वॉल्यूम ट्रेड लेके कुछ मतलब नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से विदाउट वॉल्यूम डजंट मेक सेंस, फिर वो वापस स्टॉक घूम जाएगा, अननेसेसरी विल मेक लॉस। ओके, सो आई डोंट वॉन्ट टू मेक सम इंट्राडे लॉसेस, बिना वजह का फालतू का लॉसेस नहीं करना है। इससे अच्छा बेटर है कि हम लोग प्रॉपर ट्रेड ले, वो ज्यादा बेटर है। कम ट्रेड लेंगे चलेगा, लेकिन प्रॉपर ट्रेड लेना है। यस, बीटीएसटी स्क्वायर ऑफ कर दो, करेक्ट, सन फार्मा स्क्वायर ऑफ कर दो, ये सब बीटीएसटी ट्रेड था, मैंने आपको बोला भी था, प्योर बीटीएसटी ट्रेड है, स्क्वायर ऑफ कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो, खत्म करो, प्रॉफिट बुक कर लो, खत्म करो, बीटीएसटी ट्रेड था ये सब, एग्जिट। निफ्टी बैंक निफ्टी विल बी वॉलेटाइल है नाउ, अभी थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा। थोड़ा वॉलेटाइल होगा, आ रहा है ब्रिटानिया नीचे आ रहा है, करेक्ट। ब्रिटानिया आई थिंक, मुझे लगता है डेज लो के आसपास आ सकता है, तो 3360 का फर्स्ट टारगेट दिया है मैंने, 20-30 रुपीज का फॉल तो लग रहा है ब्रिटानिया में, 20 से 30 रुपए का फॉल इमीडिएटली आ जाएगा। और कोई ट्रेड है क्या, चेक कर लेते हैं। ठीक है मिस्टर अंसर, थोड़ा रेंज शिफ्ट नीचे हुआ होगा ना, नीचे की तरफ। मिस्टर अंसर, थोड़ा रेंज अब नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, 200 या 200 200-300 पॉइंट के आसपास रेंज शिफ्ट हुआ होगा नीचे की तरफ। मैंने और थोड़ा नीचे शिफ्ट किया है ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। और कोई ट्रेड नहीं आ रहा है, ट्रेड है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो विदाउट वॉल्यूम ट्रेड लेके मतलब नहीं है, अननेसेसरी विल मेक लॉस, सो आई डोंट वांट टू मेक सम इंट्राडे लॉस कोई जबरदस्ती ट्रेड लेके, सो सिर्फ एक ब्रिटानिया ट्रेड लिया हम लोगों ने। सिर्फ एक ब्रिटानिया ट्रेड लिया, आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विथ माई पॉइंट। ऐसा स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट है बट वॉल्यूम नहीं है, तो जबरदस्ती ट्रेड लेके कुछ मतलब नहीं है, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विथ माय पॉइंट। कम ट्रेड लेंगे बट कन्विक्शन वाला ही ट्रेड लेंगे। देखते हैं और कोई ट्रेड लास्ट मोड पे आता है क्या रेडार पर, अभी तो फिलहाल नहीं है, सिर्फ ब्रिटानिया है, वेट एंड वॉच, क्योंकि ऐसे वोलेटाइल मार्केट में स्टॉक्स फिल्टर में आना थोड़ा मुश्किल है, कई बार फिल्टर में आता है, कई बार नहीं आता है, क्लियर ट्रेड नहीं मिलेगा, ऐसा है। अब कल बहुत सारे स्टॉक शॉर्ट्स में थे, अगर आपको याद है, अगर हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेते आज फंस जाते थे। यस और नो मिस्टर आंसर, करेक्ट, तो समझ में आ रहा होगा, हम लोग स्टॉक सिलेक्ट थोड़ा सा स्मार्टली कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ तरीके से कर रहे हैं, कंजर्वेटिव तरीके से कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड लेंगे, कोई जबरदस्ती वाला विदाउट वॉल्यूम वाले ट्रेड्स,
फॉल्स ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स नहीं लेंगे। ऑल ऑफ यू एग्री विथ माई पॉइंट, यस और नो? क्या करना है, जबरदस्ती ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेंगे जबरदस्ती ट्रेड, करेक्ट? वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम है, ब्रेकआउट है बट वॉल्यूम नहीं है, तो हमें वॉल्यूम वाले ट्रेड चाहिए, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड चाहिए, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड चाहिए। अच्छा है, बैंक निफ्टी उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा है, बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा है। एक्सपायरी तक अगर यहां पे रहा तो 50 या 50 के मैक्स प्रॉफिट है, 50 के मैक्स प्रॉफिट है, करेक्ट, आंसर इज राइट। बट हमारा टारगेट ये है कि पहले लॉस कवर होके थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा, ये वीक हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है? ये वीक हम लोग थोड़ा एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास एवरी वीक है, नेक्स्ट वीक वापस प्रॉफिट करेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये वीक में थोड़ा हम लोग फंसे हुए। तो जब फंसा हुआ ट्रेड होता है ना, उसको लॉस से प्रॉफिट में आने तक का पूरा वेट नहीं करना है, सिर्फ लॉस कवर हो गया, एग्जिट करके निकल जाएंगे। ये एमटीएम रिड्यूस हो रहा होगा, चेक कर लो स्ट्रेटजी में, थोड़ा एमटीएम रिड्यूस हो रहा होगा, चेक कर लो। ओके मिस्टर आंसर, और कोई ट्रेड नहीं लिया हम लोगों ने, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, और कोई ट्रेड लिया नहीं है, आफ्टरनून वाले वेबिनार में लेंगे, लेट मार्केट कंसोलिडेट एंड इसी लेवल के आसपास थोड़ा सस्टेन होने दो। सस्टेन होने देते इसी लेवल के आसपास। यस, ब्रिटानिया आ रहा है नीचे, ब्रिटानिया पे ध्यान देना। ठीक है, वेबिनार एंड करते हैं, हम लोग आफ्टरनून वाले वेबिनार में मिलेंगे 2:30 को। और कोई ट्रेड अगर इन बिटवीन आता है तो व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, टेलीग्राम प्राइवेट जो ग्रुप है उसमें एक्टिव रहना, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा या टेलीग्राम चैनल पे प्राइवेट ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है? तो इन बिटवीन अगर कोई ट्रेड आएगा प्लीज बी एक्टिव, हाँ प्लीज बी एक्टिव ऑन व्हाट्सएप। अभी फिलहाल सिर्फ ब्रिटानिया ओपन है, आफ्टरनून वाले वेबिनार में मिलेंगे एट 2:30। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।